गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग अ गुड जॉब सो टुडे आई एम डिस्कसिंग योर वर्कशीट नंबर सिक्स दिस इज योर असमेंट वर्कशीट एंड दिस इज ऑफ क्लास एट्थ वर्कशीट ओके दिस इज योर इंग्लिश वर्कशीट एंड इट विल बी गिवन यू ऑन नाइन्थ नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हेलो बच्चों कैसे हो उम्मीदें आपसे भी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी असिस्मेंट वर्कशीट नंबर फोर जो कि क्लास एट्थ की इंग्लिश वर्कशीट है और ये आपको नाइन्थ अक्टूबर नवंबर 2021 को दी जाएगी इस वर्कशीट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे तो फर्स्ट आपको ये अपने आप ट्राई करनी है और अगर आपको कोई डिफिकल्टी फील होती है तब आपको ये वीडियो देखना है ठीक है आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया बट आपको चीटिंग नहीं करनी है इससे और ये वर्कशीट आपकी ट्वेंटी मार्क्स की है और जितने क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे आपकी टीचर द्वारा ठीक है आपको वर्कशीट शुरू करनी है आपकी क्लास सेक्शन आपका नाम फिर आपके टीचर का नाम लिखना है और आपको ये कंप्लीट करके आपको टीचर को सेंड करनी है मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये वर्कशीट आपको सिर्फ एज अ हेल्प देखना है ये वीडियो जब आप ये वर्कशीट कर रहे होंगे पूरी तरीके से इससे कॉपी नहीं करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ये वर्कशीट ये वर्कशीट है आपकी अनसिन पैसेज की ठीक है अनसिन पैसेज या पैसेज जो भी हैं आप कहें है कि ऐसा पैसेज जो कि आपने देखा नहीं होगा या हो सकता है देखा हो कहीं और उसे रीड करके आपको कंप्लीट करना है उसके जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर्स को पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी इस पैसेज में क्या दिया गया है और उसके बाद हम क्वेश्चनस को डिस्कस करेंगे ठीक है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जैसे ऑल क्वेश्चन कैरी ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं मतलब अनिवार्य हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बाद हम इनके क्वेश्चन के आंसर देंगे तो स्टार्ट करते हैं पपेट्री इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ थिएटर एंड एंटरटेनमेंट प्रैक्टिस मोस्टली इन रूरल इंडिया पपेट्री मतलब जो कठपुतली का खेल होता है वो हमारे भारत का बहुत पुराना और मनोरंजन का एक मात्र साधन है यानी कि पुराने समय से ये साधन था एकमात्र उस समय पर था पर अब नहीं है तो हम कह सकते हैं कि पपेट्री जो है यानी कि कठपुतली का खेल जो है वो भारत द्वारा भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का और थिएटर का यानी कि जो पटकथा प्रस्तुत की जाती है उसका साधन था इट इज़ एन आर्ट विच एनहेंस एनहेंस्ड चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट ये जो आर्ट है ये बच्चों और जो बड़े हैं उन दोनों को ही एंटरटेन करती है और उन्हें पसंद आती है पपेट्री इज द कम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर्स पेंटिंग डिज़ाइनिंग एक्टिंग राइटिंग एंड म्यूजिक जो कठपुतली का आपका जो आर्ट है यानी कि जो कला है ये बहुत सारी और कलाओं से जुड़ी हुई है जैसे स्कल्पचर्स पेंटिंग स्कल्पचर्स का मतलब होता है जो मूर्तियाँ बनाती हैं चित्रकारी करना डिज़ाइन बनाना अभिनय करना लिखना और म्यूज़िक का प्रदर्शन करना ये सब इसमें जुड़े हुए हैं अ लार्ज वेराइटी ऑफ रॉ मटीरियल्स आर यूज टू क्रिएट पपेट्स बहुत बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल होता है उनका प्रयोग किया जाता है इन कठपुतलियों को बनाने के लिए द फेमस पपेट्स ऑफ राजस्थान आर मेड आउट ऑफ वुड एंड आर नॉन एज कठपुतली जो सबसे फेमस कठपुतली है यानी कि जो एक आ, कठपुतली जो बनाई जाती है वो राजस्थान में बनाई जाती है लकड़ी से बनाई जाती है जिसे वहाँ पर कठपुतली ही कहा जाता है ठीक है लेदर पायर मैच एंड स्टफ्ड क्लोथ्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज लेदर को या और भी बहुत सारे जो कपड़े भरकर ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करके भी पपली जो पपेट हैं वो बनाए जाते हैं पपेट्स में ऑल्सो बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द मैथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम दैट इज द मीन द मीन्स यूज बाई दी पपेटियर टू मेक द पपेट मूव फॉर एग्जाम्पल हैंड पपिट्स स्ट्रिंग पपेट्स रॉड पपिट्स एंड शेडो पपिट्स शेडो थियेटर जो पपिट्स का जो यूज करने का तरीका है वो जो पपिट को यूज करने वाला होता है उसके अनुसार निर्धारित होता है कि वो पपेट का यानी कि कटपुतलियों को किस तरीके से चलाना चाहता है उस हिसाब से बहुत सारे पपेट बनाए जाते हैं हाथ से चलने वाले धागे से चलने वाले डंडे से चलने वाले और परछाई जो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे जो परछाई में हम पपेट बनाते हैं ठीक है इन इंडिया पपेट्स आर रिगार्ड रिगार्डेड एज डिवाइन एंड हेल्ड इन रेलिवेंट बाय द पपेट ये जो इंडिया में हैं वो जो पपेट का खेल करते हैं उनके लिए पपेट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनके लिए एक तरीके से डिवाइन होते हैं भगवान का रूप होते हैं क्योंकि हम सभी के लिए हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसी प्रकार से उनके लिए ये जो पपेट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर दे बिकम ओल्ड एंड वॉन आउट दे आर नॉट डिस्कारड बट कैप्ट एट होम लाइक बी एजिंग रिलेटि जब ये पपेट खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो इन्हें वो फेंकते नहीं हैं उन्हें वो अपने घर में संभाल कर रखते हैं इस तरीके से जैसे कि, कि हमारे यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उस तरीके से द स्टोरीज इनेक्टेड बाय द पपेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई दी एपिक्स रामायणा एंड महाभारत द पंचतंत्रा स्टोरी एंड ग्लोरियस टेल्स ऑफ पास्ट वॉरियर्स एंड हीरो जो पपिट्स के द्वारा जो कहानियाँ बनाई जाती हैं या जो प्रदर्शित की, की, की जाती है उनमें मुख्य रूप से रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानी और जो हमारे सैनिक हुए हैं जो हमारे बहादुर वीर हुए हैं उनकी कहानियाँ प्रदर्शित की जाती हैं द आइस द आइसलैंड ऑफ बाली एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया ऑल्सो है रिच ट्रेडिशन ऑफ पपेट पपेट्री मतलब जो बाली है बाली एक जगह है विदेश में और सुमात्रा भी जगह है जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पर भी जो पपेट्री यानी कि कठपुतली का जो ट्रेडिशन है बहुत ज़्यादा विकसित है जापान इज फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बंकारू इन विच मजिस्ट्रिक मजिस्टिक डॉल्स ऑलमोस्ट वन फिफ्टी सेंटीमीटर टॉल आर एनिमेटेड एंड स्किलफुली मैनिपुलेटेड बाय सेवरल पपेटियर्स मैनिपुलेटेड मतलब होता है प्रदर्शित करना उनकी बातें बोलना बातों का तरीका प्रदर्शित करना उन्हें कहते हैं मैन्युपुलेशन ठीक है तो जापान में भी पपेट का जो थिएटर है यानी कि पपेट की जो कला क्षेत्र है वो बहुत विकसित है जिसका नाम वहाँ पर बंकारू है और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पपेट यानी कि बहुत बड़े बड़े कतुतियाँ बनाई जाती हैं जिसके वन फिफ्टी सेंटीमीटर की लंबी हो सकती हैं और उनको इनेक्ट किया जाता है उनको एनिमेट किया जाता है ठीक है बनाया जाता है एनिमेट मतलब होता है कि जैसे हम एनिमेशन पिक्चर्स देखते हैं ना कार्टून्स फॉर्म में उस तरीके से उनको प्रदर्शित किया जाता है ठीक है तो ये पैराग्राफ आपको समझ आया अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स ट्रू ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके आपको इसमें आंसर्स देने बिग आंसर्स है ठीक है फर्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क इसमें सभी वन वन मार्क के हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है पपेट्री इज मीन टू एंटरटेन चिल्ड्रन एंड एडल्ट इट्स ट्रू यानी कि ट्रू क्योंकि ये हमारे ओल्ड टाइम में बच्चों और बड़ों दोनों के एंटरटेनमेंट का साधन थे पपेट्री इज एन रिसेंट आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू थिएटर डेवलप्ड इन सिटी फॉल्स बिकॉज इट इज़ अ ओल्ड फॉर्म रिलेटेड टू विलेज वुडन पपेट्स यूज इन राजस्थान आर कॉल्ड कठपुतली करेक्ट हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में लकड़ी के जो कटपुतलियाँ बनती है ना कठपुतली कहते हैं द पपेट थिएटर इन इंडोनेशिया इज कॉल्ड बंकारू बनराकू नो इट्स फॉल्स वन जो है वो कहाँ का है जापान का है ठीक है पपेट्री इज पॉपुलर इन इंडिया एज वेल एज अदर एशियन कंट्रीज इट्स ट्रू क्योंकि इंडोनेशिया जापान बाली ये सारे एशियन कंट्रीज और यहाँ पर भी पपेट का बहुत यूज है ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो ईच क्वेश्चन कैरी थ्री कैरीज थ्री मार्क्स तो सारे क्वेश्चन तीन नंबर के और हमें इनके आंसर्स देने हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट दिस सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच आर्ट फॉर्म जो पपेट्री है वो किस किस आर्ट फॉर्म की कॉम्बिनेशन है तो राइट आंसर इज द पपेट्री द पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर्स पेंटिंग डिजाइनिंग एक्टिंग राइटिंग एंड म्यूजिक ओके क्वेश्चन नंबर टू है हाउ आर पपेट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मैथड्स ऑफ मैन्युफेक्चरिंग दैम Uh, this is not manufacturing this is manipulating just wait this is manipulating manipulating them this is big edge the puppet the puppets are classified according to the methods of manipulating them that is the means used by the puppeteer to make a puppet move for example hand puppets स्ट्रिंग पपेट्स रॉड पपेट्स एंड शेडो थिएटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज दोर्स ऑफ द स्टोरीज टोल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट्री इंडिया में जो पपेट्री से स्टोरीज बनाने प्रदर्शित की जाती है उसका मुख्य स्रोत क्या था तो द स्टोरीज इनेक्टेड बाई द पपेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एपिक्स लाइक रामायणा एंड महाभारता द पंचतंत्र स्टोरीज एंड द ग्लोरियस टेल्स ऑफ पास्ट वॉरियर्स एंड हीरोज दीज आर द मेन सोर्स ऑफ दी स्टोरी टेलिंग थ्रू पपेट्री इन इंडिया तो रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियाँ और हमारे जो वीर बहादुर सैनिक हैं उनकी कहानियों को प्रदर्शित करना ही पपेट्री का मेन सोर्स होता था नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर दी ओल्ड एंड वर्न आउट पपेट्स ट्रीटेड जो पुराने और जो मतलब खराब हो जाते थे पपेट्स उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है

इन विच मजिस्टिक्स मजिस्टिक का मतलब होता है बहुत बड़ी यूज ठीक है यूज़ या बिग मजिस्टिक डॉल ऑलमोस्ट वन फिफ्टी सेंटीमीटर टॉल आर इन एनिमेटेड एंड स्किलफुल स्किलफुली मैनिपुलेटेड बाई दी सेवरल पपिटियर्स तो जापान में जो पपेट का थिएटर है उसको बंद राकू का हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डॉल्स के द्वारा ये कहानियाँ और बाकी चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं ओके आई होप दिस वर्कशीट यूजफुल फॉर यू And if it is useful for you and you got something new, please like it, share with your friends, and subscribe this channel. Thank you.